तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब वर्क स्टडी में फिर से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सारी वीडियोस कंप्लीट कर रखे हैं दोस्तों। अब सारे के हम अलग अलग करेंगे और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, सारे एलिमेंट को याद करने की ट्रिक मैंने आप सभी को बता रखा है। अब देखिए, हम सिर्फ बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक के बारे में, यानी कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों आपकी, ठीक है। और यहाँ पर सारी आपको सामने दिखाई दे रही है, क्लियर आप सभी को। तो ये दोस्तों आपकी एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक, यानी कि टोटल 13 एलिमेंट इसमें आपको दिखाई देगी, ठीक है, क्लियर आप सभी को। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे आज, ठीक है। तो उसके SPDF सारे के बारे में बात करेंगे, आज हम करेंगे एस ब्लॉक के बारे में। और वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पीरियोडिक ये जो जितने भी इसकी क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल की, वो हम लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्लियर आप सभी को। चलिए तो अब हम एस ब्लॉक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, यानी कि इनकी जो फिजिकल केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिजिकल केमिकल करेक्टरिस्टिक के बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहले पॉइंट पे यहाँ पे देयर आर 13 एलिमेंट इन द ब्लॉक। तो अभी अभी आपने पीरियोडिक टेबल देखा दोस्तों, वहाँ पे एस ब्लॉक में टोटल हमें कितने एलिमेंट मिलते हैं, 13 मिलते हैं। अब देखिए, इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन फील्ड लास्टली इन द एस ऑर्बिटल देन द एलिमेंट इज कॉल्ड एस ऑर्बिटल। यानी कि इसमें यह बताया जा रहा है कि जब भी हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो जब भी हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन जैसे कि फर्स्ट S2 2S2 लिखेंगे, तो जो S ब्लॉक की रहेगी लास्ट एलिमेंट हमेशा S पे आकर के रुक जाएगी उसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसको हम S ऑर्बिटल कहेंगे। जैसे कि सोडियम की हम यहाँ पे बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 11 होती है। अब देखिए 1S2 2S2 और 2P6 हो जाएगी, 6 पे मैक्सिमम P पे मैक्सिमम 6 होती है, और यहाँ पे S पे कितने आ रही है, 1 बस बच रही है दोस्तों, 3S1। यानी कि जो यहाँ पे ऑर्बिटल जो होती है दोस्तों, S ऑर्बिटल पे आकर के इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल पे आके खत्म होंगे, इसलिए हम इसको एस ऑर्बिटल। थर्ड में देखिए, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज NS1 टू NS2। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ए और यहाँ पे सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट ए की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहेगी दोस्तों, हमेशा 1 पे आके रुक जाएगी, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यानी कि देखिए फर्स्ट ए की एलिमेंट है सोडियम, लेकिन इसमें यहाँ पे 1 आ रही है, ठीक है, तो NS1 इसलिए हम लिखते हैं। अब देखिए सेकंड ग्रुप की हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12 होती है, यानी कि 3s पे दोस्तों कितना आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है, सॉरी 3s पे 2 आ जाएगी, ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दोस्तों, NS1 से लेकर के NS2 तक इस तरह से वेरी कर रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट ए में NS1 होगा और फर्स्ट टू के सारे एलिमेंट में जो होगी दोस्तों, वो NS2 पे आके रुकेगी। चौथा देखिए, पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट ए एंड 0 ग्रुप एक्सेप्ट हीलियम, ठीक है। तो हीलियम को छोड़ करके दोस्तों बाकी सारे की पोजीशन यहाँ पे बताया गया कि फर्स्ट ए देंगे, और ये फर्स्ट ए नहीं दोस्तों, ये सेकंड है, ठीक है, और 0 ग्रुप है, सब ग्रुप इसको कहते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे हीलियम है, ठीक है, क्लियर आप सभी को। हीलियम आपकी ये इनर्ट गैस में चली जाती है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं पांचवा नंबर, नेचर जो है इसकी किस तरह की। तो देखिए नॉर्मल एलिमेंट है हाइड्रोजन को छोड़ करके, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो है दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्शन है, बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पे नॉर्मल एलिमेंट रहेंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन है ना दोस्तों वो एक्सेप्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन आपको पता है ये गैस है और ये नॉन मेटल है, बाकी सारे यहाँ पे मेटल आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, क्लियर आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए, अब हम गैस की बात, हाइड्रोजन गैस देखिए, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ए के जो होते हैं दोस्तों, इसमें अल्कली मेटल आपको दिखाई देते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS1 होती है, और सेकंड पे अर्थ मेटल दिखाई देते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल दिखाई देते हैं, ठीक है, और इनर्ट एलिमेंट भी दिखाई देते हैं, क्लियर आप सभी को, ठीक है। तो ये दोस्तों टोटल 13 एलिमेंट होते हैं, 7 एलिमेंट आपके अल्कली अर्थ मेटल और 6 एलिमेंट अर्कलेम अर्थ मेटल अल्कलाइन दोस्तों यहाँ पे आपकी 7 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इनर्ट एलिमेंट जो है ऑक्सीजन के बारे में ये बताया जा रहा है कि दोस्तों यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। अब देखिए लास्ट यहाँ पे नोट करके एक पढ़ लीजिए दोस्तों, कि इन फर्स्ट ए ग्रुप हाइड्रोजन इज नॉन मेटल।
तो यहाँ पे फर्स्ट ए ग्रुप में या एस ब्लॉक में एक एक्सेप्शन आपको याद रखनी है दोस्तों, कि हाइड्रोजन जो है दोस्तों वो नॉन मेटल है, ये गैस है, ठीक है, ये एक इकलौता नॉन मेटल है। अब देखिए करेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं कि एस ब्लॉक की केमिकल फिजिकल क्या है। तो देखिए पहले यहाँ पे ऑल ऑफ दीज एलिमेंट आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट जो है दोस्तों वो क्या है, मेटल्स है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम क्या है दोस्तों, ये एक गैस है और हीलियम आपकी हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हीलियम आपकी इनर्ट गैस है। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप की जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे प्लस वन और प्लस टू दिखाई देती है आपको, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ए ग्रुप की एलिमेंट है इसकी वैलेंसी के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ए की है दोस्तों ये हमेशा प्लस वन शो करेगी, ठीक है, और ये वैलेंसी का मतलब क्या है दोस्तों, आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको हम वैलेंसी कहते हैं, क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट ए की तो दोस्तों आप जान गए प्लस वन होती है। अब देखिए यहाँ पे सोडियम की हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3s1 लास्ट में आपकी आती है, आपको पता है, और मैग्नीशियम की ही बात करते हो तो 3s2 आती है। क्यों? क्योंकि Na जो है दोस्तों ये आपका फर्स्ट ए का है और N और ये जो मैग्नीशियम है आपकी सेकेंड ए ग्रुप की है, ठीक है। तो सेकेंड ए ग्रुप की जो एलिमेंट है दोस्तों इस ब्लॉक की वो हमेशा पॉजिटिव वैलेंसी यानी कि प्लस टू शो करेगी, और ये सारे बहुत रिएक्टिव होंगे, ठीक है, दे आर मच रिएक्टिव। चौथे नंबर पे दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, क्लियर आप सभी को। अब फिफ्थ पे देखिए दीज ऑल एलिमेंट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम, लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के बाकी सारे आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन लिथियम और बेरिलियम आपकी किसी प्रकार के आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाएंगे, ये सारे आपके क्या है दोस्तों, एक्सेप्शन है, क्लियर है, इसको आप याद रखिएगा अच्छे से। अब देखिए दे देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक, अब देखिए इसमें के जितने भी मेटल्स है दोस्तों ये सारे के जब ऑक्साइड्स बनेंगे वो क्या होंगे दोस्तों, बेसिक, यानी कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो बेसिक करेक्टर की होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हमको एसिडिक देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए देयर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी आर लो, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी दोस्तों सबसे ज़्यादा लो होती है, क्योंकि ये पीरियड के तरफ जिस तरह से हम बढ़ते जाते हैं ये बढ़ते जाती है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्लियर है। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में दोस्तों हम बाद में बात करेंगे अपने, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए देयर ऑक्साइड्स जो होते हैं दोस्तों वो बेसिक, देखिए अभी अभी हमने ये बात की, ये दो पॉइंट रिपीट हो गई है। अब देखिए नाइन्थ पे देख लेते हैं, दे आर जनरली इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि ये दोस्तों क्या बनेंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे, जैसे कि एग्जांपल में NaCl, दे आर कलरलेस, यानी कि क्या होंगे दोस्तों, कलरलेस होंगे, और ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जो ऑक्सीडेशन करा दे उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि क्या है। अब देखिए एलिमेंट ऑफ दिस ब्लॉक, देखिए ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी कि ये जो आपकी रिड्यूसिंग एजेंट है ये क्या करवाती है, ऑक्सीडेशन कराती है। अब देखिए एलिमेंट ऑफ दिस ब्लॉक प्रोडक्ट कलर इन द फ्लेम, यानी कि कलर दिखाते हैं, और इनकी जो सॉफ्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर जो लो होती है, यानी कि ये बहुत ही सॉफ्ट तरह के होते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनकी जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होती है, ठीक है दोस्तों। तो